बहुत बुरा लग रहा है यार कसम से। फेंडर लाइन टूट गई है, शील्ड टूटा है, इसमें कोई नॉर्मल सी चीज नहीं है। ये है हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप ईच वन अमंग यू इज डूइंग गुड। तो जम्मू से आते ही मुझे पता चला कि गाड़ी की सर्विस आई हुई है एंड इसका थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है। इसकी बैक लाइट टूट गई है एंड टायर के ऊपर जो कवर होता है वो टूट गया है एंड मे बी कुछ और भी हुआ हो क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब था। यहाँ इससे पहले भी हुआ, मेरा ध्यान नहीं गया, घर आने के बाद ही मुझे पता चला। तो दिखाता हूँ आपको क्या हुआ है और उसके बाद चलते हैं हुंडई, तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। ये देख रहे हो, बहुत बुरा लग रहा है यार कसम से। ये देखो, ये पूरा ही चेंज कराना पड़ेगा जितना भी है यहाँ तक। करते हैं गाड़ी स्टार्ट। गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड आई थिंक इट्स अबाउट 30 टुडे और एसी हो गया है ऑन, तो चलिए चलते हैं। तो भाई साहब और एक बड़ी ने मेरे को ज्वाइन कर लिया है, बट ये कैमरा कौन सा कैमरा पे नहीं आना चाहता, तो ये मेरे साथ आएगा हुंडई। 15 minutes later तो पहुंच गया हम हुंडई और ये हमारे लिए कॉफ़ी आ गई है, बट यहाँ लंच ब्रेक चल रहा है और हमें शायद आधा एक घंटा वेट करना पड़े, देखते हैं क्या रहता है। और फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद सर्विस एडवाइज़र आ गए जॉब कार्ड बनाने के लिए और अब लगेगी गाड़ी अंदर। किसी ने देखो मेरी गाड़ी पे लिखा है जैद ब्लॉग और सर्विस हो गई है शुरू। होप सो अब जल्दी हो जाए सब कुछ क्योंकि हमें ऑलरेडी आधा एक घंटा वेट करना पड़ा था, इनका लंच ब्रेक चल रहा था। ऊपर से यार सर्विस भी घर पे रह गया, मैंने फ़ोन किया एक फ्रेंड को, मैंने कहा वो वहाँ से लेकर आओ, तो देखते हैं क्या से रहता है। ये देख रहे हो भाई साहब, फेंडर लाइन टूट गई है, शील्ड टूटा है, तो ये पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हो ना ये करना है चेंज, और ये फेंडर लाइन भी पूरी जो मैं सुबह दिखा रहा था, पर शील्ड का मुझे नहीं पता था, अभी पता चला ये भी कराना है चेंज। आज तो बड़ा तगड़ा खर्चा होने वाला है। ये देखो मुबलेल का क्या हाल हो गया है, वो ब्लैक पेंट लग रहा है। ऑल राइट, तो वी आर इन द वेटिंग रूम राइट नाउ। वो देखो गाड़ी ऊपर और ये रेडी। मीनवाइल सर्विस बुक आ गया है हमारे पास, अब कोई टेंशन नहीं है, बस गाड़ी। और अंदर यार बोर हो गए थे तो मैंने सोचा थोड़ा चक्कर मारते बाहर, और मेरे को बोले कलर क्या किया है स्कूटी को, वाटर कलर बस। देखते हैं हम थोड़ा बहुत आगे पीछे लगाते हैं चक्कर। हुंडई जाने से पहले मैंने सोचा रेलवे पे मारते हैं चक्कर। सॉफ्टी नहीं मिली तो अब हमने रबड़ी कुल्फी ले ली। आज मैंने मेरे ख्याल से एक दो साल बाद देखी यहाँ पे अनंतनाग में ट्रेन, चक्कर नहीं लगता इधर और कोविड की वजह से बंद भी थी काफी टाइम। तो चलते हैं वापस हुंडई। अंडर लाइन लग चुकी है नई और इंजन फील्ड भी टूट गया था, ये भी लग चुका है नया। रेडी तो यहाँ से चलते सीधा ड्रीम काउंटर पे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो हमारी कार हो गई है रेडी।
देखो पूरी चमक रही है। तो अब चलते हैं कुछ खाने। आई जस्ट गॉट अ कॉल कि कोई पार्सल आया हुआ है, पिज्जा खाने के बाद चलते हैं पार्सल लेने। है अब लगाने में पैक तेरे साथ सब कुछ शेयर करूंगा मैं, आजा मेरे पास तेरा ही। ये देख रहे हो इसमें कोई नॉर्मल सी चीज नहीं है, ये मंगाया था तो ये आ गया है, दिखाता हूँ क्या खास है इसमें। ये कोई नॉर्मल ब्रश नहीं है, इलेक्ट्रिक ब्रश है, 3000 कुछ का ब्रश है। देखते हैं क्या है इस टूथब्रश में स्पेशल। खोल इसको। ओके सो हियर वी गो विद द इलेक्ट्रिक ब्रश। तो इसमें आपको क्या करना है ना, बस इसको होल्ड करो, दांतों पे लगाओ, बाकी काम ये खुद करेगा, सही है ना। और ये क्लीनर, इसमें काफ़ी टिप्स है आगे से, तो डीप क्लीनिंग करे, इसमें लगेगा ये, एंड देन यू आर डन। सो इट एग्जैक्टली वर्क्स लाइक दिस। देख रहे हो। वन आवर लेटर। अभी हम आए हुए हैं भूमजू और हमने थोड़ा सामान उठाया था जो कि गर्म हो गया था। अब हमने सोचा हम नेचर का फ्रिज करते हैं यूज और रखते हैं उसको ठंड। देखो कैसे, ये देख रहे हो, ये देखो नेचर का फ्रिज। क्यों भाई साहब? हाँ ये है आम। अरे आम चला गया बेचारा। मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड, तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आर यू फाइन, सिप करूं वाइन, तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूं लाइन, वो करना चाहती ग्राइंड। मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड, तो फिर much later। और हम आए हुए थे रिजॉर्ट, अब चलेंगे शायद घर ही, यहाँ देखते हैं कुछ और मत रहेगा। तो बुमजू हमें सीधा आ गया था डिपार्टमेंटल स्टोर जो मेरे फ्रेंड का है, इसने मुझे कॉल किया, बोला कुछ पार्सल आए हुए तेरे, तो देखते हैं क्या हूँ उनमें। एक पार्सल पहले भी आया हुआ था जो वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश था, वो तो मैंने दिखाया आपको, अब देखते हैं इन सब में क्या है, दिखाता हूँ आपको। ये क्या? अच्छा ये तो रख वापसी है, गाड़ी के स्टीकर है, मैं समझ इसमें शायद शेड वेड होगा कुछ, बोल था ना ये। ओ भाई साहब, मैंने बोला था ना बिगिनिंग वीडियो में हमें लव विद कॉमो क्लच। और ये बड़े वाले पार्सल में है हेयर ड्रायर। मीनवाइल अभी सीन कुछ ऐसा है कि घर से आया फ़ोन, मेरी छोटी कज़न सिस्टर आई है और उसने मेरे से मांगी है डॉल। कहाँ से मिलेगी ये डॉल? ओए ये आगे शॉप ही पड़े डॉल तो उधर से मिलेगी। तो देखते हैं कोई टॉय शॉप से लेते हैं डॉल और कुछ लेंगे उनके खाने के लिए, पिज़्ज़ा वगैरह, देखते क्या रहता है। तो बंद कर दिया है अंदर ही भाई, तो भाई घुना यार। और फाइनली डॉल्स मिल गई है एंड आई एम थिंकिंग अबाउट दिस वन। बुगू के लिए नहीं मिला कुछ खास तो हमने सोचा इसके साथ खेलेगा। पिज्जा का भी ऑर्डर दे दिया है हमने, तो पिज्जा भी आ रहा है अभी 5-10 मिनट में, क्योंकि उन लोगों ने बोला था खाने के लिए भी लाना कुछ। यहाँ पे एक बलून वाला दिखा तो हमने इसको रोक लिया। और ये मैं उठा रहा हूँ शहर के लिए, क्योंकि बुग्गू तो बड़ा हो गया, अब कहाँ खेलेगा इन चीज़ों से। और ये पिज़्ज़ा आ गया है, चलते हैं। A few moments later। सर आप ठीक हो? हाँ कब आए? आपके लिए मैंने बलून लाया, देखा? और देखो मैंने क्या लाया आपके लिए, डॉल, ये लो। कैसा लगा? हाँ जोर से बोलो। गुड गुड, थोड़ी शर्माती है। एंड बोथ द किड्स आर बिजी प्लेइंग विद देयर टॉयज एंड आई लव देम सो मच। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ लाइक, कमेंट ऑन वीडियो टू शो योर लव एंड सपोर्ट, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।
सी यू इन सम अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।